खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां मद महेश्वर में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुल 293 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और सभी लोगों को अब वहां से निकाल लिया गया है। लोगों को हेलीकॉप्टर और मैनुअल दोनों तरीकों से निकाला गया। इसमें स्थानीय लोगों की बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा SDRF, NDRF, DDRF ने पूरी ताकत झोंक दी। रेस्क्यू पूरी तरह से सफल और सुरक्षित है। ये भी बता दें कि पुल टूटने की वजह से यात्री फंस गए थे और करीब 2 दिन बाद उनका रेस्क्यू किया गया। श्रीनगर गढ़वाल में हनुमान जी का पुराना मंदिर GVK जल विद्युत परियोजना की झील में समा गया है। मंदिर के साथ खड़ा पीपल का पेड़ भी देखते ही देखते अलकनंदा नदी में बह गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही के मंजर क्या हैं। इस वक्त पहाड़ी इलाकों में लगातार अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से भूस्खलन की आशंका बढ़ी हुई है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे नदी में पूरा मंदिर समा गया। बारिश के बाद से ही नदियां उफान पर हैं, जो लोगों की परेशानियों को लगातार बढ़ा रही हैं। अरे काशीपुर में बुधवार को एक और मकान ढह गया और ढेला नदी में समा गया। घटना काली बस्ती स्थित ढेला नदी किनारे की है। पहाड़ पर हुई बारिश के कारण ढेला नदी से लगातार भू कटाव हो रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों के घरों को पहले ही खाली करा लिया था। भू कटाव के चलते नदी किनारे रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। अल्मोड़ा के जागेश्वर में कई गांवों में अब भी सड़क नहीं है। एक बीमार बुजुर्ग को देर रात गांव के कुछ लोग डोली में अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मोबाइल फोन की रोशनी में युवकों ने डोली में बैठाकर बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। सयूनी और पथरौला में सड़क नहीं होने से लोग लंबे समय से परेशान हैं और इस कदर अस्पताल तक पहुंचने के लिए मजबूर हैं। पिथौरागढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन मौत को दावत देती सड़कों ने यहां पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ दी है। हालात तो ये हैं कि बरसात के सीजन में पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें 90% बंद हैं, जिस कारण सैलानी खोजने पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, ओम पर्वत, पार्वती ताल, मुनस्यारी, नारायण आश्रम और मिलम ग्लेशियर सैलानियों को खास आकर्षित करते हैं। इन पर्यटन स्थलों में हर साल देश दुनिया से लाखों सैलानी भी पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ये विश्वविख्यात पर्यटन स्थल सूने पड़े हैं। यहाँ धारचूला और मुनस्यारी तहसील में सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन यहीं की ज्यादातर सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं, जिससे सैलानी तो दूर लोकल लोग भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालात ये कि लिपुलेख रोड के खराब होने के चलते आदि कैलाश यात्रा तक को रद्द करना पड़ा। आपका पूरी फुलवारियां होती हैं और जिनको देखने के लिए टूरिस्ट वहां जाते हैं, लेकिन सड़क ही जब मोटर सड़क ही नहीं है, पैदल सड़कों की तो दयनीय स्थिति है ही है, जब मोटर सड़क ही नहीं है तो कैसे टूरिस्ट वहां जाएगा। इस सीजन में पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें 90% मौकों पर बंद रही और जब रोड खुली भी तो मौत को मात देने वाला सफर रहा। इन सड़कों की देखरेख करने वाले विभाग कहीं कोई कोशिश करते हुए नजर भी नहीं आते। तो इसमें भी जो भी वर्किंग एजेंसी हो, चाहे PWD हो या BRO हो या PMGSY है, तो उनको यही निर्देश रहेगा कि अपनी मशीनरी को बिल्कुल गियर अप रखें, ताकि हमारा रिस्पांस टाइम ठीक ठाक हो और जितने जल्दी हम लोग रोड को खोल लेंगे उतने जल्दी ही जनमानस को सुविधाएं प्राप्त हो पाए। सैलानियों को लुभाने वाले पर्यटन स्थल हजारों लोगों के रोजगार का भी जरिया हैं, तो आदि कैलाश यात्रा से कुमाऊं मंडल विकास निगम को भी फायदा होता है, लेकिन जब इन इलाकों तक पहुंचना ही नामुमकिन हो जाए तो तय है कि नुकसान चौतरफा होगा। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। साल 2009 और 2013 में राज्य में हुए तेल बिल घोटाले में 2 पूर्व CM के साथ ही तब के स्वास्थ्य मंत्री और अफसरों की मुश्किल बढ़ने जा रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि उस वक्त किसी अधिकारी ने इन बिलों पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की। यही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि जब
सीएम ऑफिस से बिलों को सत्यापित किया गया, पैसे भी निकाल लिए गए, तो सभी की मिलीभगत साफ दिख रही है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि एक हफ्ते में बताएं कि दोषियों पर क्या एक्शन लिया गया और अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो गृह सचिव को केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। साल 2009 और 2013 में रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे। इस दौरान चार जिलों में सीएम की फ्लीट के लिए टूर ऑपरेटरों से गाड़ियां मंगाई गई और उनका भारी भरकम बिल बनाया गया। न्यायालय ने यह आदेश किया कि जो संलिप्त थे इस कल्प्रिट, उन पर स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक क्या एक्शन लिया गया, तथा साथ में ये भी कहा कि जो, क्योंकि ये मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित मामला था, तो क्या उस समय के तत्कालीन मिनिस्टर्स पर और उनके ऑफिसर्स, सीएमओ कार्यालय के अधिकारियों एवं ट्रेजरी ऑफिसर्स पर क्या एक्शन लिया गया। अल्मोड़ा के धौलछीना क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसके साथ ही स्थानीय लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अमृत सरोवरों में मछली पालन और पॉली हाउस बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले पर्यटकों को ऑर्गेनिक उत्पाद मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। आधा दर्जन गांवों को एक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है और हमने ये सोचा कि गांव वालों की सिंचाई और मछली पालन और क्या का गांव वालों का रोजगार, मतलब किसी क्षेत्र में क्या सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था भी हो सके। यहां पर काफी मात्रा में पर्यटन, टूरिस्ट रिजॉर्ट आदि वो हैं, तो यहां पर पर्यटन आता है, तो पर्यटन हम चाहते हैं कि इसका सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके और इस क्षेत्र को और ज्यादा विकसित किया जा सके। अवैध तरीके से कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने अभियान चलाया है, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में सबसे ज्यादा अवैध भट्टियों को तोड़ा गया। 10 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 20 अगस्त तक चलेगा। आबकारी सचिव और आयुक्त हरिचंद सेमवाल का कहना है कि देसी और अवैध शराब को लेकर कई शिकायतें मिली है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया गया। आबकारी विभाग का कहना है कि कार्रवाई की पूरी डिटेल 20 अगस्त को दी जाएगी। एक्साइज का डिपार्टमेंट है, हमारे फील्ड कर्मचारी और अधिकारी वो सब संयुक्त रूप से अभियान को चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार हमें सफलता मिल रही है। हरिद्वार में भी कई कच्ची अवैध शराब के कारोबारी पकड़े गए हैं और उनका सामान भी बरामद हुआ है। इसी तरीके से उधम सिंह नगर में भी लगातार 3-4 दिन में धरपकड़ की कार्रवाई हुई है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में बेखौफ चोरों की टोली ने एक किराने की दुकान को निशाना बना लिया। चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ किया है। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना लक्सर के बहादुरपुर गांव की है और यहां बीती रात करीब 2:30 बजे 6 चोरों ने धावा बोला और शटर तोड़कर सामान ले उड़े। चोरों ने दुकान में रखे कैश पर भी हाथ साफ किया है। पीड़ित का कहना है कि करीब 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। तो यूपी के तर्ज पर ही अब उत्तराखंड में भी मिनरल मार्ट की व्यवस्था लागू होने जा रही है। यानी किसी को मकान बनाना है तो उसके लिए रेता, बजरी जैसी सामग्री के लिए भटकना नहीं होगा। मिनरल मार्ट पर सिर्फ ऑर्डर देना होगा और सामान सीधे घर पर डिलीवर होगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार को हर साल खनन के कारोबार से 800 करोड़ की इनकम होती है, लेकिन कालाबाजारी और अवैध खनन ना हो तो यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब मिनरल मार्ट बनाने का ऐलान किया है। ऑनलाइन वेब पोर्टल पर रेता, बजरी का ऑर्डर कर सकते हैं और बिना किसी समस्या के घर पर ही सामान मंगा सकते हैं। वर्ष भर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचाने के लिए एक खनिज प्रसंस्करण पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे एक ओर इन खनिजों की कालाबाजारी रुकेगी, वहीं लोगों को भी सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से उनके घर तक पहुंचकर मिल पाएंगे। ऑनलाइन मिनरल मार्ट में सभी स्टोन क्रशर संचालक, रेता बजरी का कारोबार करने वाली फर्म, खनन कारोबार करने वाले लाइसेंस धारकों के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स की भी लिस्ट होगी और उनके पास स्टॉक का ब्यौरा भी होगा।
ऑनलाइन ऑर्डर मिलते ही खनन विभाग खनिज ले जाने की परमिशन जारी कर देगा। तो उसमें जब देगा सब लीगल पर्ची पे होगी, लीगल रवाना होंगे, उसमें लीगल बिल होंगी, उसमें जीएसटी पीएसटी सब चीज उसमें आकलन होगा। इस प्रकार चोरी का संभवता ही नहीं। यूपी में 2018 से ही मिनरल मार्ट लागू है और अब उत्तराखंड में ये योजना परवान चढ़ी तो न सिर्फ अवैध खनन और कालाबाजारी पर रोक लगेगी, साथ ही रॉयल्टी से लेकर जीएसटी तक भी राज्य सरकार को अच्छी इनकम होगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे